गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास विद क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 12 द अर्ली ह्यूमंस. स्टूडेंट्स, वी ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 12 एंड आई होप यू ऑल क्लियर विद दिस चैप्टर. सो टुडे वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मीन्ड बाय प्री हिस्ट्री. प्री हिस्ट्री से आप क्या समझते हैं? प्री हिस्ट्री मीन्स पूर्व का इतिहास, जो हिस्ट्री से पहले का था. दैट मीन्स नो रिटन हिस्ट्री, जिसका कोई भी आज प्रूफ नहीं है, पक्का प्रूफ नहीं है, बस ऐसा इमेजिनेशन है कि अर्ली ह्यूमंस होते थे. तो प्री हिस्ट्री क्या है? व्हेन ह्यूमन फर्स्ट अपीयर्ड ऑन द अर्थ, कि जब अर्ली ह्यूमंस सबसे पहले अर्थ पर अपीयर हुए, धरती पर आए, दे डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट. तो वो नहीं जानते थे रीड एंड राइट, इट मीन्स लिखना और पढ़ना. इट मीन कोई भी लैंग्वेज नहीं थी, नो रिटन लैंग्वेज. दिस पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज प्री हिस्ट्री. तो उस टाइम रिटन लैंग्वेज नहीं थी और वो सिग्नल्स के थ्रू, इशारों के थ्रू बातें करते थे. कोई उन्हें ना लिखना आता था ना पढ़ना आता था. सो दैट टाइम ऑफ नो रिटन हिस्ट्री इज नोन एज प्री हिस्ट्री. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज एन आर्कियोलॉजिस्ट डू. आर्कियोलॉजिस्ट क्या करता है? आर्कियोलॉजिस्ट दैट मीन्स पुरातत्ववादी. पुरातत्व विभाग में जो वर्क करता है, जो पर्सन, उसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं. सो आंसर इज एन आर्कियोलॉजिस्ट हेल्प अस टू लर्न अबाउट द अर्ली ह्यूमंस. आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो हमारी हेल्प करते हैं अर्ली ह्यूमंस के बारे में जानने में, लर्न करने में. वो बताते हैं हमें अर्ली ह्यूमंस के बारे में, उन्हें नॉलेज होती है इन चीज़ों के बारे में, पुरानी चीज़ों के बारे में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट द फूड आइटम ईटन बाय द अर्ली ह्यूमंस. अर्ली ह्यूमंस जो फूड आइटम खाते थे वो बताना है. अर्ली ह्यूमंस क्या क्या खाते थे अपने टाइम में? अर्ली ह्यूमंस एट बेरीज, दैट मीन बेर जो झाड़ियों में जोगते हैं, नट्स, रूट्स, जड़ें, एंड रो मीट ऑफ एनिमल और एनिमल्स का कच्चा मांस, कच्चा मीट. क्योंकि उस टाइम फायर नहीं आई थी तो पहले वो कच्चा मांस ही खाते थे और रो वेजिटेबल्स खाते थे, रो फ्रूट्स खाते थे. नट्स में आपको पता है ग्राउंड नट्स वगैरह, जो मूंगफली वगैरह हैं, तो बेरीज ये सब क्या होती हैं, झाड़ियों में उगती हैं. तो ऐसी चीज़ें खाते थे जो उन्हें कहीं पे भी ज़मीन के अंदर या किसी प्लांट पे लटकी हुई कहीं पे भी जो दिख जाती थी वो खा लेते थे. और कभी कभी वो चीज़ें पॉइजनस भी होती थी, जहरीली भी होती थी उनके लिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड लर्निंग टू मेक फायर अफेक्ट ह्यूमन लाइफ. फायर बनाना जब उन्होंने सीखा अर्ली ह्यूमंस ने, तो उस फायर ने कैसे ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट किया, प्रभावित किया. मतलब बाय लर्निंग टू मेक फायर, फायर बनाना जानने के बाद अर्ली ह्यूमन डिस्कवर दैट फायर स्केयर्ड अवे वाइल्ड एनिमल. तो अर्ली ह्यूमन ने खोजा, जाना कि जो फायर है उससे वाइल्ड एनिमल्स डर कर भाग जाते हैं. क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स से अर्ली ह्यूमंस को डर लगता था. वाइल्ड एनिमल लाइक टाइगर, लॉयन, इनसे उनको डर लगता था. तो जब उन्होंने देखा फायर आने के बाद कि फायर से वाइल्ड एनिमल डरते हैं, एंड फायर गेव लाइट एंड हीट एंड कैप देम वार्म इनसाइड द कोल्ड केव्स. और ये भी देखा कि जो फायर है वो उन्हें लाइट भी दे रही है, इट मीन्स रोशनी भी दे रही है उनकी गुफाओं में, उनकी केव्स में, और हीट भी दे रही है, गर्मी भी दे रही है, जो उन्हें ठंड से बचाती है, ठंडी गुफाओं से, कोल्ड केव्स में उन्हें वार्मनेस देती है, गर्मी देती है. एंड लेटर देन दे बिगेन टू यूज फायर टू कुक फूड. और बाद में वो फायर से फूड कुक करना भी सीख गए, खाना पकाना भी सीख गए. क्योंकि पहले वो रो मटेरियल्स ही खाते थे, रो फूड, रो वेजिटेबल, रो फ्रूट्स, रो मीट, ये सब खाते थे. अब वो फायर आने के बाद फूड को कुक करके खाना सीख गए थे, पका कर खाना सीख गए थे. क्योंकि वो फूड उन्हें जो कुक्ड फूड था वो उन्हें टेस्टी लगने लगा था, स्वादिष्ट लगने लगा था. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन व्हाट वेज डिड फार्मिंग चेंज द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन. कि कैसे फार्मिंग ने अर्ली ह्यूमंस की लाइफ को चेंज किया, किन कौन कौन से वेज हैं, कौन कौन से तरीके हैं ऐसे जिनसे अर्ली ह्यूमंस की लाइफ जो है चेंज हो गई फार्मिंग सीखने के बाद.
द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग चेंज द वे द अर्ली ह्यूमंस, जो फार्मिंग की जो शुरुआत थी, बिगिनिंग थी, खेती जब उन्हें करना आना शुरू हो गया था, तब अर्ली ह्यूमंस की लाइफ चेंज हो गई थी. गॉट देयर फूड एंड लिव्ड, कि उनके फूड को जो वो जो फूड गैदर करते थे उनका तरीका बदल गया था एंड रहने का तरीका भी बदल गया था. फूड गैदरिंग के लिए वो इधर से उधर जाते थे तो अब वो इधर से उधर भी जाना बंद हो गए थे क्योंकि फार्मिंग आ गई थी. और फूड जो वो एक तरह का फूड खाते थे वो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड उन्हें ग्रो भी करना आ गया था. और फर्स्ट क्रॉप उन्होंने कौन सी उगाई थी, वीट एंड बार्ले, गेहूँ और जो. दे डिड नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर हंटिंग, और अब वो एक जगह से दूसरी जगह हंटिंग के लिए, शिकार के लिए नहीं जाते थे. एंड बिल्ट स्मॉल मड हाउसेज टुगेदर, और उन्होंने अपने लिए छोटे छोटे मड हाउसेज भी बनाए, घर भी बनाए, मिट्टी के घर, झोपड़ी के जैसे, और साथ साथ में बनाते थे, ग्रुप में बनाते थे टू लीव इन, और उनमें रहे. एंड थर्स स्मॉल विलेजेस केम अप, और ऐसे ग्रुप में जब वो रहने लगे, पाँच पाँच घर बनाकर क्या बन गए, छोटे छोटे गाँव बन गए. वो पहले एक घर बना और कुछ घर एक साथ बने, तो उन कुछ घर से मिलके धीरे धीरे स्मॉल विलेजेस, छोटे छोटे गांव बन गए, और छोटे छोटे गांवों से फिर सिटीज़ बन गए. तो ऐसे हमारा जो है सिविलाइजेशंस भी हुआ, दैट मीन्स जो शहर गांव वो भी बसे. सो आई होप यू ऑल क्लियर विद दीज क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 12. नाउ चैप्टर इज टोटली कम्प्लीट. ओके, सो यू हैव टू लर्न दिस चैप्टर. Thank you. Have a nice day.